उन चिकस में ब्याज ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाके लगाए गए, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के चालान काटे गए। जानकारी के अनुसार राजा और पुंछ रेंज के डीएसपी ट्रैफिक ने पुनिया चौक में नाका लगाया। इस दौरान कई आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे और जुर्माना किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यात्रा को लेकर विभिन्न जगहों पर नाके लगाए जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों को सही मार्ग दिखाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने एक संदेश दिया कि उन माता पिता से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों कम आयु में स्कूटी और मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि इस बात का खास ध्यान रखें और बच्चों को मौत के मुंह में ना ढकेलें, क्योंकि इतने लोग आतंकी हमलों में नहीं मारे जाते जितने सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। बताएं कि जिस प्रकार से दो दिन रह गए यात्रा को और ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और क्या कुछ बंदोबस्त और क्या कुछ इंतजाम है? जय हिंद। मैं शेख मोहम्मद अली एसपी इंचार्ज राजौरी पुंछ ट्रैफिक। हम आपसे जो बात करेंगे, ट्रैफिक के निज़ाम की बात करेंगे। हमने नाके लगाए हैं बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के मंदिर के बाहर। एक नाका हमारा मंडी में है, एक नाका हमारा चंडक चौक में है, एक हमारा मंदिर अखाड़ा में नाका है। तो हमने अपने मुलाजमों को हदायत दी है कि यात्रियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और जो बाहर से हमारे मेहमान आएंगे उन मेहमानों को, एक तो वो उनको पता नहीं होता है कहाँ जाना है, उनको पूरा गाइड करना है कि आपने कहाँ रहना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ लंगर है आपका। ये पूरा हम इसको यात्रा को सुखल और सफल बनाने के लिए इसका पूरा ट्रैफिक का निज़ाम हमने बिल्कुल इसको हमने एक्शन में लाया हुआ है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की और सीनियर अफसरों की डायरेक्शन है। तो हम इसमें जो ओवरलोडिंग है, जो यहाँ के लोकल चालान्स हैं, वो तो हम कर रहे हैं। हेलमेट्स का है, सीट बेल्ट्स का, ओवरलोडिंग का है, उसमें तो हम जी जान से सुबह और शाम मेरे डीटीआई मेरे एसओ साहिबान जो जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमने अपने दो सिपाही खो भी दिए हैं, कांस्टेबल ज़ुबैर अहमद और कांस्टेबल अशोक कुमार, जो दौरान ड्यूटी कत्ल किया गया जिनका, और हमने उसमें FIRें भी लगाई हैं। और लेकिन हम उनसे डरने वाले भी नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सुरक्षा हमारा काम है लोगों को बताना, क्योंकि इतने लोग मिलिटेंसी में नहीं मारे गए हैं जितने एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं। और हम उन बच्चों के माँ बाप को मेरी गुजारिश है कि अपने छोटे मासूम बच्चों को कत्ल करने के लिए ये मोटरसाइकिल ना दें। मुझ में ये कहते भी शर्म महसूस नहीं करूँगा कि वो माँ बाप अपने बच्चे के दुश्मन हैं जो छोटे और नाबालिग बच्चे को ये मोटरसाइकिल दे देते हैं, ना उसके बाद हेलमेट है, ना लाइसेंस है। कैसे वो माँ बाप है, कैसे अपने बच्चों को वो जिंदा रखेंगे? मेरी गुजारिश है उनसे कि बच्चों को ये कम से कम ये चीज़ें ना दी जाए। जय हिंद। जम्मू के पुंछ से टॉप न्यूज संवाददाता JB सिंह की रिपोर्ट।